चलिए बनाते हैं एक हेल्दी कुल्फी। शुगर फ्री कुल्फी बनाने के लिए ना ही किसी कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी क्रीम का, और बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी बनकर रेडी होगा। एकदम मार्केट के जैसा टेस्ट आएगा इसका, और बहुत ही कम चीजों से बनकर रेडी होगा। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए दूध लिया है, 1 लीटर फुल फैट मिल्क है। अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे, और एक बॉईल आ जाने के बाद केसर के कुछ धागे डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और फ्लेवर भी। उसके बाद ऐड करेंगे क्रीम। ये जो घर की दूध होती है उसकी जो ऊपर की मलाई होती है ना, वही मैंने 2 दिन की निकाली है। इससे काफी क्रीमी बनता है। अगर नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाला है, और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने 12 से 15 काजू, 12 से 15 बादाम और पिस्ता लिया है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। जब दूध आधा हो जाए तो इसमें ये पाउडर ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट में मैंने इसे हाई फ्लेम पे कर दिया था, और ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। बस अब इसका फ्लेम क्या करेंगे, बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, और ये ठंडा होकर और भी थिक हो जाएगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे खजूर की कुछ सीड मैं निकाल लेती हूँ। आधा कप खजूर लिया है, जो कुल्फी में नेचुरल मिठास देगा और बहुत हेल्दी भी होता है। और हमारा दूध भी यहाँ ठंडा हो गया है। इसे डालेंगे मिक्सर जार में, साथ ही यहाँ पे जो खजूर हमने सीड निकाल लिए थे उसे भी डाल देंगे। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे, जिससे एक स्मूथ पेस्ट हमें बनकर रेडी मिलेगा, और हमारा जो कुल्फी है बहुत ही क्रीमी बनेगा। यहाँ पे मैंने कुछ प्लास्टिक के ग्लास और पेपर कप लिए हैं। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड है तो आप उसमें बना सकते हैं, या किसी भी बर्तन में आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद ये मिक्सर इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे फॉइल पेपर से, जिससे इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं जमे। आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में जो हमारा कुल्फी स्टिक होता है वो डाल देंगे इस तरह से, बहुत आराम से। और उसके बाद इसे हम फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए 8 से 10 घंटों के लिए। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और ये देखिए, दूसरे दिन मॉर्निंग ये अच्छे से बिल्कुल हमारी जो कुल्फी है सेट होके रेडी हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पेपर कप है बहुत ईजिली निकल जाता है। तो इस तरह से इसे कट करेंगे और अच्छे से इसे निकाल लेंगे, तो जो कुल्फी है वो बहुत ईजिली पेपर कप से बाहर आ जाती है। गर्मी का मौसम है तो इसे मैं आइस ट्रे पे रखूंगी, जिससे ये मेल्ट नहीं होए। और उसके बाद बाकी की कुल्फी हम निकाल लेंगे। तो जो प्लास्टिक कप में मैंने बनाए हैं वो इस तरह से इजिली नहीं निकलते हैं, तो उसे पहले हमें थोड़ा सा रब करना पड़ता है, और उसके बाद उसे मूव करना पड़ता है, फिर वो इजिली निकल जाता है। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा रब करेंगे और फिर उसे थोड़ा सा मूव करेंगे और वो निकाल लेंगे। हमारी कुल्फी जो है वो बनकर रेडी है। अब इसे गार्निश कर देंगे चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से। एकदम मार्केट के जैसा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप एक बार इसे जरूर बना के ट्राई करके देखिए, और उसके बाद आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसमें चीनी भी नहीं है और कोई कंडेंस मिल्क और क्रीम भी नहीं है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बना है। साथ ही साथ ये दूध और खजूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ बना है, तो बहुत हेल्दी भी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना, लाइक और शेयर करना, कमेंट जरूर करके मुझे बताना। और इस तरह की नई रेसिपी आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।